नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब देखते हैं आज की खास खबरें। चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन पर सारी जनता में हर्षोल्लास दिखा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों और बदमाशों के नाम से सपा पर साधा निशाना। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सपा और बसपा में गुंडे और बदमाश जमकर फैलते हैं, लेकिन सपा तो बदमाशों की ही सरकार है। रिपोर्टर रमा मिश्रा, जीटीवी न्यूज, चित्रकूट। भी साकार हो सकता था, लेकिन उनके मन में गरीबों की चिंता नहीं थी, माताओं बहनों के कष्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। डकैतों का उत्पीड़न कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इन डकैतों का इस्तेमाल ये लोग अपने लिए करते थे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही डकैती डालने की। बहुत अंतर नहीं था, एक डकैत गांव में डकैती डालता था, एक सपा में बैठ करके विकास की योजनाओं में डकैती डालता था या गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालता था। ये एयर कनेक्टिविटी पहले भी दी जा सकती थी, नहीं दिया। चित्रकूट को सुंदरतम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित पहले भी किया जा सकता था, और अब तो चित्रकूट प्रदेश सरकार के एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, चित्रकूट में क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? देखो झूठ मत बोलना भाई, नहीं मिलती थी। अब 2017 के बाद मिल रही है ना, 20 घंटा। आज कोई भेदभाव तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ बिजली आएगी और दूसरी जाति के यहाँ नहीं आएगी। चंद्रिका जी ऐसा तो नहीं करते ना, यानी बिजली सबको है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। और ये भेदभाव भी तो नहीं होता है ना कि पहले जो होता था ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी और दीपावली होली में नहीं आएगी, ऐसा भेद तो नहीं होता ना। नहीं होता। 17 के पहले तो होता था, पहले होता था। दूसरा मुझे बताइए, वैक्सीन आपको मिली? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? सब लोग लगा लिए, आपको धन्यवाद। मैं आपका अभिनंदन करूंगा, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। आर्मी भर्ती नहीं मिली। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हुआ। नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, प्रवासी हो या निवासी सबको फ्री में राशन, और कोरोना कालखंड में हर परिवार को महीने में 2-2 बार राशन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।